Hello friends, welcome to UPSC EUREKA. This is the prime destination for UPSC resources. So let's start with the new topic of IBRD. Basically it means International Bank for Reconstruction and Development. Iska main aim kya tha isko develop karne ka? To provide help for infrastructure development. Infrastructure development kis prakar ka? To social, economic and environmental infrastructure development karne ka. Aur dusra uddeshya tha poverty reduction ka. तो अभी जो मेन उद्देश्य है इसका पॉवर्टी रिडक्शन का ही है. और ये आईबीआरडी अभी हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में. आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है. और आईबीआरडी को आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आईबीआरडी और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को मिला करके ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है. आपको ये याद रखना है. और आईबीआरडी और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो जुलाई 1944 में हुआ था उसके बाद ही आईएमएफ और आईबीआरडी का डेवलपमेंट, मतलब एक आइडिया डेवलप होकर के इंस्टीट्यूशन के रूप में परिणित हुआ. तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी. और हेड कौन करता है इसको? तो प्रेसिडेंट हेड करता है. यूजुअली जो प्रेसिडेंट होता है वो यूएस से ही होता है. यूजुअली आप क्या बोल सकते हो, कन्वेंशन ही एक तरह से है कि प्रेसिडेंट यूएस का ही होगा. और अभी प्रेजेंट में है जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मेलपास. और वर्ल्ड बैंक जो प्रमुख रूप से रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021 में आया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी पब्लिश करती है जो 2020 में आया हुआ है दिसंबर के मंथ में, जिसमें कि इंडिया 63rd रैंक पाया है. तो आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ आईबीआरडी के बारे में याद रखना है. और आप इसमें आईबीआरडी और आईएमएफ के में एक अंतर भी याद रख सकते हो कि आईबीआरडी जो है लॉन्ग टर्म लोन देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. दैट्स ऑल.